नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मैं हूं आपके साथ मोनालिसा स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव के साथ में इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारियां तीन सेगमेंट खेती किसानी हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए लेकर आते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम खेती किसानी में आज हम बात करेंगे वर्मी कम्पोस्ट के बारे में एनडीआरआई साउथ जोन के पशु विशेषज्ञ ने हमें जानकारी दी कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार किया जा सकता है और खेती में इसके इस्तेमाल के क्या कुछ फायदे हैं। आइए देखते हैं सभी किसान भाइयों बहन हम सभी जानते हैं गाय से दूध मिलता है दूध छोड़ के गोमूत्रा उसको गोबर सभी मिलता है उसी से हम लोग वैल्यू एडिशन करके उसको हम लोग खाद बन के बहुत लाभ भी उठ सकता है हम सभी जानते हैं आजकल तो फार्मर्स को इनकम जो होता है उसको डबलिंग करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री का इच्छा है उसको एक तरीका है हम लोग जितना जो वेस्ट है उसी से हम लोग वेल्थ बना सकते हैं उसको हम लोग इतना अच्छे से यूज़ करके हम लोग वैल्यू एडिशन करने से और भी दूध छोड़ के उसी से जो लाभ मिलता है इसी से भी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लाभ मिलने के लिए बहुत मौका है इसलिए मैंने हमारा संस्थान में जो सदन कैंपस एन में है हम लोग गाय का पशुशाला रखा है इसमें हम लोग दियोनी कैटल है मलनाट गिड्डा का ब्रीड है होलस्टेन फ्रिश का ब्रीड हम लोग मेंटेन करते हैं कम से कम हमारा जो संस्थान से जो पशुशाला से आ, 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 हर दिन में हम लोगों को ढाई टन से तीन तक तक टन तक हम लोग को कच्चा गोबर मिलता है सो so, उस गोबर को हम लोग लेके वो जो खचुआ का कात बोलते हैं दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट हम लोग बोलते हैं उसको बनाते हैं सो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उस जो गोबर कच्चा गोबर है कम से कम वो एक तीन चार दिन से लेके मैक्सिमम सेवन डेज तक उसको क्यूरिंग करना चाहिए क्योंकि वो कच्चा गोबर में हम लोग खचुआ छोड़ने से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उसी की वजह से वो खचुआ मरने का बहुत चांसेस है इसलिए उसको पहले कम से कम Uh, सात दिन तक उसको क्यूरिंग करना चाहिए उसके बाद वो गोबर को लेके हम लोग को जो मेढ़ी में और जैसे आप लोग तो चैम्बर बना के और जैसे ज़मीन में जिसके बाद फैसिलिटीज़ नहीं है जो प्लास्टिक सीट बना के उसको ऊपर भी मेढ़ी बना के उसमें हम लोग जो लेयर बाई लेयर जो जितना वेस्ट है जो पत्तों का वेस्ट है जो ड्राई वेस्ट है और गोबर को लेयर बाई लेयर उसको ऊपर डाल के हम लोग कछुआ छोड़ सकते हैं सो so, कम से कम वो जो कछुआ बोलते हैं हम लोग आइसिनिया फिटिडा यूडलेस यूजनी ये दो खिचुआ बहुत ज्यादा फेमस है बहुत इंपॉर्टेंट खिचुआ है जो जल्दी से जल्दी वो गोबर को खा के वो खाद बना देते हैं so इसके बाद वो जो कम से कम वो खचुआ छोड़ने के बाद मैक्सिमम अब चालीस दिन से 50 दिन तक उसको हम लोग लो वेट कर सकते हैं जो ये खिचुआ का जो हैबिट है वो रात को सुबह शाम होने के बाद वो केचुआ सूरज पूरा ऊपर आता है वो जो गोबर का ऊपर में ऊपर आके रात भर पूरा जो गोबर को खा के जो निकलता है वो पूरा बहुत अधिक पोशाक से हम लोग खाद बन जाता है जो गोबार है इसीलिए उसको लेके बहुत हम लोग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं वो हमारे खेती के लिए फूलों को पेड़ के लिए हमारा जो सब्जियों का पेड़ के लिए बहुत बड़ा प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं कोकोनट सभी पेड़ों के लिए सब सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कच्चा गोबर से और सूखा वाला गोबर से ये हम लोग का वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं उससे हम लोग को बहुत पोशाक न्यूट्रिशन मिलता है वो जो ज़मीन में भी उसको ताकत बढ़ जाता है जो प्लांट जो बोलते हैं जो जो हम लोग फायदा मीन जो प्लांट है हम वेजिटेबल्स का है जो प्लांटेशन क्रॉप्स है जो जमीन में जो भी प्लांट उगाते हैं उसके लिए भी बहुत ताकत मिलता है बीमारियों से भी लड़ाने के लिए भी बहुत अच्छा ताकत प्लांट के मिल जाता है ये हम लोग जो खेत को आजकल तो बहुत जगह में बेचते हैं। तो, मैक्सिमम आठ रुपए से लेके कर पंद्रह रुपये तक बेचते ले फार्मर्स इसको फायदा उठा के इसको आगे बढ़ाना चाहिए दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसको वैल्यू एडिशन भी कर सकता है जो वर्मी कंपोस्ट जो कात मिलता है उसको हम लोग कंसर्सियम ऑफ माइक्रोब्स ऑर्गेनिशम जो जो कीटाणु बोलता है जो बेनिफिशियल कीटाणु है वो भी उसके साथ मिला के हम लोग और भी ज़्यादा पैसा वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा पैसा में हम लोग बेच सकते हैं वो बेनिफिट भी हम लोगों को मिलेगा सो so, आजकल दूसरा एक जो गोमूत्राव भी ले गोमूत्राव को भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं डेली सो so, जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोग को मॉइस्चर लेवल कम से कम सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट मेनटेन करना चाहिए उसके लिए हम लोग पानी डेली स्प्रे करना चाहिए उसको ऊपर वो पानी उ... स्प्रे करने के बाद जो पानी है वो वर्मी कंपोस्ट से नीचे थोड़ा सा निकल जाता है उसको हम लोग वर्मी टी बोलते हैं सो so, वर्मी टी भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बहुत अच्छा खाद का होता है उसको भी लेके हम लोग बेच सकते हैं वो बॉटल में आजकल तो मिलता है बहुत जगह में जो किसान का जगह में एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जो जगह में दुकान होता है उन लोग से हम लोग ले फ़ायदा उठा सकता है उससे भी हम लोग को पैसा मिलेगा जो वो वर्मी टी बोलते हैं वो वर्मी टी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है बॉटल में उसको हम लोग पानी के साथ मिला जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं उसी तरह सारा पौधों में जो प्लांट में एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स में वेजिटेबल्स में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं इसीलिए वो आगे बहुत अच्छा बीमारियों से लड़ाई करने के लिए वो अच्छा ताकत मिलता है सभी प्लांट के लिए सो so, दूसरा मेन एडवांटेज है आजकल सभी लोग जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे हमारा देश का प्रधानमंत्री सभी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर सभी जगह से हम लोगों को मैसेज मिलता है हम लोग को जो केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करना चाहिए ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है ये ऑर्गेनिक फार्म कहाँ से मिलेगा सब चीज़ हमारा नेचर में जो अवेलेबल है जो अच्छा वो खाद बन सकता है उसी से हम लोग फ़ायदा उठाना चाहिए